नमस्ते मैम, सुप्रभात। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। जी मैम, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। आज का मेरा अपॉइंटमेंट था। किसने बोला आपको कि आपका यहाँ इंटरव्यू चल रहा है? और गांव से आया क्या? हिंदी में क्यों बात कर रहा है? इंग्लिश में बात करना। जी मैम, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। वो दरवाजा दिख रहा है? जी मैम, दिख रहा है। उसी दरवाजे से बाहर निकल जाओ। मतलब दरवाजे से बाहर? लेकिन मैम, मैं तो इंटरव्यू देने आया हूँ। कितनी बड़ी कंपनी है पता है? और पहली बात तो मुझे ये बताओ कि किस चीज का इंटरव्यू देना है तुमको यहाँ? जी मैम, ड्राइवर के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। मान लिया कि तुम्हारी हमारी कंपनी में नौकरी लग गई ड्राइवर की, और अगर किसी एम्प्लॉय या किसी क्लाइंट को आप ड्रॉप या पिक करने चले गए और उन्होंने आपसे इंग्लिश में बात करी, तब कैसे जवाब दोगे तुम उनको? क्योंकि यहाँ तो सब इंग्लिश में ही बात करते हैं और इंग्लिश बोलने की तुम्हारी औकात है नहीं। लेकिन मैम, इस नौकरी के लिए मेरे अंदर काबिलियत है। आप मेरा इंटरव्यू तो लीजिए। अगर मैं इंटरव्यू में असफल रहा तो भले ही आप मुझे निकाल दीजिएगा, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और एक बहुत बड़ा अनुभव है। और इससे पहले मैं जिस कंपनी में ड्राइविंग करता था वहाँ का मुझे 5 वर्ष का अनुभव है। लिसन, आई एम नॉट सिटिंग हियर टू मीट यूजलेस पीपल लाइक यू, सो जस्ट गेट आउट। माफ कीजिए मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखो, हमारी कंपनी के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और हमारी कंपनी के रूल्स ये कहते हैं कि हम लोग तुम जैसे गरीबों को यहाँ नौकरी नहीं दे सकते। हमारी कंपनी का मार्केट में बहुत नाम है, समझे ना तुम? आज तो तुम हमारी कंपनी में आ गए इंटरव्यू देने के लिए, दोबारा कभी आसपास भी दिखाई मत देना हमारी कंपनी के। मैम, मैं तो ड्राइवरी की नौकरी करूंगा और ड्राइवर के लिए इतनी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। और मैं किसी अधिकारी को, कंपनी के किसी भी बॉस को, किसी को छोड़ने जाऊंगा या लेने जाऊंगा तो मुझे हिंदी में बात करने की जरूरत है? इंग्लिश में क्या जरूरत है? मैं हिंदी में समझा दूंगा। और मैम, हम तो भारतवासी हैं और भारत की मातृभाषा हिंदी है, और हम लोग हिंदी में नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्लीज मैम, आप मेरा एक बार इंटरव्यू तो ले लीजिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। देख, लास्ट टाइम समझा रही हूँ, जब से आया ना मेरा मूड खराब किए जा रहा है। तू चुपचाप निकल जा यहाँ से, अगर नहीं गया ना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगी। गेट आउट। ठीक है मैम, जा रहा हूँ। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज तो हॉलीडे है ना, ऑफिस भी बंद है और कुछ काम भी नहीं है ऑफिस का, तो आपने मुझे यहाँ घर पे क्यों बुलाया आपने? यस मैडम, टुडे इज़ हॉलीडे, संडे है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बुलवाया। वो इसलिए कि मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। ये फाइल लो और इसे आज ही कम्प्लीट करना है, क्योंकि कल इसे ऑफिस में सबमिट करना है। अगर तुमने इस फाइल को टाइम पे कम्प्लीट कर दिया तो तुम्हारी प्रमोशन भी हो जाएगी। प्रमोशन? पर सर, ये लैंग्वेज तो फ्रेंच और जर्मन में है, मैं ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करूंगी? मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है। मैडम देखो, मुझे लैंग्वेज से कुछ लेना देना नहीं है। ये जिस भाषा में भी है, आपको उसी भाषा में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो। तुम्हें प्रमोशन तो चाहिए ना? ऑब्वियसली सर, मुझे प्रमोशन चाहिए, बट जो ये लैंग्वेज है मुझे नहीं आती ये लैंग्वेज, तो मैं कंप्लीट कैसे करूंगी प्रोजेक्ट? पर मैं इसमें कर क्या सकता हूँ? वैसे भी ये जहाँ का प्रोजेक्ट है वहाँ का ये रूल है कि ये जिस भाषा में भी है उसी भाषा में हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सर आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे ये फ्रेंच और जर्मन नहीं आती है, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करूंगी? आप जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। ओह अच्छा अच्छा, आपको ये भाषा नहीं आती फिर भी मैं ज़बरदस्ती ये चाहता हूँ कि आप इसी भाषा में इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए, यही ना? यस सर। राम प्रसाद, इधर आओ। जी नमस्ते साहब। नमस्कार मैडम, तुमने इन्हें पहचाना? हाँ सर, जानती हूँ, हमारी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए थे। इंटरव्यू के लिए आए थे लेकिन तुमने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, मैं जान सकता हूँ क्यों? हाँ सर, मैंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये हिंदी में बात कर रहे थे और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं थी। सर इनका हुलिया देखे,
आपको लगता है ये हमारी कंपनी को डिजर्व करते हैं? हमारी कंपनी में ऐसे लोग काम नहीं करते सर। अच्छा अच्छा समझा, तो आपने इन्हें सिर्फ इस वास्ते रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनका हुलिया ठीक नहीं था, ये इंग्लिश में कम्युनिकेट ठीक नहीं कर सकते और इनका रंग रूप भी अच्छा नहीं है। मैडम ये तो ठीक नहीं किया आपने, गलत किया आपने, आपने इनको इनके रंग रूप से और इनकी भाषा से इनकी काबिलियत को जज करने की कोशिश की, ये आपने गलत किया। मैडम तुम किस देश में रहती हो? सर भारत में। भारत में, यानी कि हमारा अपना देश, उसकी भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी। मैडम हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा एक ही भाषा बोली जाती है और वो है हिंदी, क्योंकि उसमें हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आजकल की मॉडर्न जनरेशन पर वेस्टर्न कल्चर हैवी है, इसलिए उनको अपनी भाषा सुनना या अपनी भाषा में बात करना दोनों ही बुरा लगता है। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ? ये यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी के लिए आए थे, इसमें कोई स्पेशल कम्युनिकेशन स्किल नहीं चाहिए, ये हिंदी में बात कर सकते हैं हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, और क्या चाहिए। मैंने ये फाइल तुम्हें सिर्फ इस वास्ते दी थी ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके, और मैडम क्योंकि इस भाषा में ये तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकती इसलिए ऐसे एम्प्लॉयज की मुझे अपनी कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, बट ऐसा मत करिए सर, मुझे जॉब से मत निकालिए। जस्ट लीव, आई डोंट वांट पर्सन लाइक यू इन माई ऑफिस, अंडरस्टैंड? हाँ तो राम प्रसाद जी, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा विश्वास है और मुझे पता है कि आप अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, तो कल से तुम नौकरी पे आ सकते हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा।